स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया वेक्टर, गॉस और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे एरिया वेक्टर को, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंड फाइनली हम समझेंगे गॉस को। गॉस जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो गॉस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन उसके लिए आपको दो बेसिक एलिमेंट्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज एरिया वेक्टर एंड सेकेंड इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक पॉइंट ऑफ एरिया वेक्टर, कि एरिया वेक्टर होता क्या है। आपने आज तक एरिया सुना है, अब हम उसे वेक्टर की टर्म्स में बात कर रहे हैं। वेक्टर इट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम समझते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मार्क कर लिया, इसका भी अपना खुद का कुछ ना कुछ एरिया है। अब जब हम इसके ऊपर डायरेक्शन को देखते हैं एरिया के साथ, वैसे तो हमने पढ़ा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम एरिया के साथ उसकी डायरेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय बनता है आपका एरिया वेक्टर। एक नॉर्मल टर्म में देखा जाए जो डायरेक्शन होती है एरिया की, वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। उसके आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब बाहर की तरफ, और नॉर्मल कुछ इस तरीके से, लाइक जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना। तो अभी से ऐसे समझ लीजिए, सपोज टू बी लाइक ये हमें दिया हुआ है, इसका अपना खुद का एक एरिया तो होगा, तो एरिया है तो मैग्नीट्यूड है। अब नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब है दिस इज द डायरेक्शन, नॉर्मली आउटवर्ड ये जो बाहर की तरफ डायरेक्शन निकल रही है दिस इज कॉल्ड नॉर्मली आउटवर्ड। तो अगर मैं इस डायरेक्शन के साथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हूँ देन इट इज कॉल्ड एरिया वैक्टर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब सोचिए कि आपके पास एक स्फेयर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्फेयर है। अब किसी भी पॉइंट के स्फेयर पे, मान लो इस पॉइंट को ले लिया आपने स्फेयर के, तो आपने एक इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मली आउटवर्ड। फिर स्फेयर के इस पॉइंट पे देखा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मली आउटवर्ड। आपने इस पॉइंट पे देखा, दिस इज द नॉर्मली आउटवर्ड। इसका मतलब लाइक दिस, ये आपने एक स्फेयर लिया, इस स्फेयर के इस पॉइंट को लिया, तो इस पर एक नॉर्मली आउटवर्ड ड्रॉ कर दिया। सिंपल, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। ये क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए शीट है, शीट पे चार्ज है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, 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 इस तरफ भी पॉजिटिव। तो एक शीट पे इस तरीके से चार्ज है, देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस साइड, और इस तरफ से देखूंगा दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरफ से दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये किस चीज़ की डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है आपके एरिया वेक्टर की। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ एक सिलेंडर, इस तरीके का सिलेंडर। अब सिलेंडर इस तरीके से होगा, यहाँ पे दो आपको सर्कल्स दिखाई देंगे और बीच में इस तरीके का हॉलो पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ एक सिलेंडर हमने लिया हुआ है। अब समझिए यहाँ पे तीन सर्फेसेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द कर्व पोर्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो, अगर मैं इसको देखता हूँ, इस सर्कल को, और इसके लिए एरिया वेक्टर निकालता हूँ, तो दिस इज द एरिया वेक्टर। हमने नॉर्मली आउटवर्ड ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एरिया वेक्टर। इस सर्कल की तरफ जाता हूँ तो इसके बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज द एरिया वेक्टर। लेकिन जब मैं इस कर्व को देखता हूँ तो इस कर्व के ऊपर हमने क्या किया? वी ड्रॉ नॉर्मली आउटवर्ड एरिया वेक्टर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो इट मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन सर्फेसेस आ रहे हैं और तीनों की डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट है। तो आपको किसी भी एरिया की, अगर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन क्या करना है? आपको नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन वहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब आपको समझना है कि लाइक जब आप किसी भी चीज़ को डायरेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए आप किसी ना किसी यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो ही हमने एन लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट दी यूनिट वेक्टर। आप उसके ऊपर कैप देख सकते हैं, और आपको पता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, बात करते हैं इस एरिया वेक्टर की डेफिनेशन के टर्म्स में। देखिए, वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, ध्यान से समझना, वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface, एरिया है तो क्लोज सर्फेस होना चाहिए, क्लोज सर्फेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। ये समझ में आ रही है चीज किस तरीके से? तो इट मीन्स जो भी वैक्टर एसोसिएट करेगा किसी भी एरिया के साथ जिसका सर्फेस कैसा है? क्लोज है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड होगी। दैट रिप्रेजेंट योर एरिया वैक्टर।
अब यहां पे जो हमने डेल्टा एस लिया है दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एन यूनिट वेक्टर दिस रिप्रेजेंट योर डायरेक्शन। तो आपको पता है दो चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी वेक्टर के लिए, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये डायरेक्शन को। तो अगर मैं इस एरिया वेक्टर की बात करता हूँ, ये हमने क्या बनाया हुआ है डेल्टा एस, ये क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस वन इज द डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, लाइक ऐसे हमने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड डेल्टा एस और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द डायरेक्शन। तो आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी आपका सर्फेस हो सकता है, आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो यही बात हमें समझनी होती है सिर्फ एरिया वेक्टर के अंदर। तो अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस तरीके से हमने एरिया वेक्टर पढ़ाया उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है लाइक आपके पास एक क्लोज सर्फेस है और उस क्लोज सर्फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। आपके पास एक क्लोज सर्फेस है जस्ट एनालाइज इट और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं उस एरिया से पर यूनिट एरिया से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये आपको क्या दिया है, एक क्लोज सर्फेस दिया है और उस क्लोज सर्फेस से क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं। कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मली। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली पास हो रही हैं क्लोज सर्फेस एरिया से, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक नॉर्मल डेफिनेशन पढ़े तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सर्फेस। समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू नॉर्मली टू दैट सर्फेस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अगर हमने डी फाई लिखा है तो इसका मतलब हमने क्या लिया है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब हमने मान लीजिए इस तरीके से कुछ एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से और ये हमारा इस तरीके से एक सरफेस है, ऐसे जस्ट एनालाइज कर लेते हैं, क्लियर। तो ये हमें एक सरफेस दिया है। अब ये पूरा का पूरा सरफेस है, हमने क्या किया, इस सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, लाइक ये वाला पोर्शन ले लिया। इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, पास हो रही होंगी, क्लियर हो रही है चीज। तो अगर मैं इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू को निकालूंगा देन वी कैन यूज डी फाई, क्योंकि यहां पे जो हमने एरिया यूज किया है दिस इज डीएस। डीएस का मतलब क्या हो गया, स्मॉल सरफेस एरिया। तो आप समझिए इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज लाइक ई, ई का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। डीएस क्या हो गया, स्मॉल सरफेस एरिया, और डॉट, डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब डॉट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, इसे हम बोल सकते हैं ई डी एस, ई डी एस, क्लियर हो गई चीज। अब डीएस, अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और डीएस के बीच का जो ये एंगल है ये क्या है, कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा। तो समझिए मान लीजिए मुझे एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, लाइक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, मान लीजिए हमने एक क्यू ले लिया, वही पॉजिटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। अगर इसका सरफेस एरिया भी ऐसे ही होगा, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनने वाला है वो कितने डिग्री का होगा, जीरो डिग्री का। और आपको पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। कॉस जीरो की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉस थीटा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी एस। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी और डी एस का मतलब क्या हो गया, स्मॉल सरफेस एरिया। डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब डी एस किस चीज को लिया है, हमने स्मॉल सरफेस एरिया को लिया है। तो इट मीन्स इस पूरे स्फीयर का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, दैट इज कॉल्ड डी एस। लेकिन अगर मुझे पूरा सरफेस लेना पड़ेगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देखिए ये हमने लिया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो हमारा फॉर्मूला था ई डी एस कॉस थीटा, इसके आगे देखिए हमने ये लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड सरफेस इंट्रीगल। सरफेस इंट्रीगल का मतलब पूरे सरफेस एरिया को कंसिडर करना। तो इसका मतलब ये जो सरफेस इंट्रीगल है किसके लिए, इस डी एस के लिए है एक्चुअली। अब जब मैं डी एस के आगे सरफेस इंट्रीगल लगा दूंगा तो वो क्या करेगा, इस पूरे सरफेस को ले लेगा। तो इट मीन्स पूरे सरफेस को लेगा, तो अगर मैं इसका सरफेस इंट्रीगल करता तो स्फीयर के टर्म में वो वैल्यू कितनी होती, 4πr². तो इसका मतलब अगर मैं स्फीयर के टर्म पे डी एस को ओपन करता
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरा सर्फेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड सर्फेस इंट्रीगल। अगर पूरे सर्फेस के लिए निकालना है तो सर्फेस इंट्रीगल हमें वहाँ पे लगाना पड़ेगा। नाउ ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम। डी एस एक सर्फेस एरिया है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और यूनिट, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं केसेस, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ जीरो, कहाँ नेगेटिव। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा रिगार्डिंग दी कॉस थीटा। देखिए, अगर कॉस की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है, 0 से 90 डिग्री, तो आपको पता है जब कॉस 0 से 90 के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो उस समय आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड फाइनली, अगर इसकी वैल्यू इन बिटवीन 90 टू 180 डिग्री हुई थीटा की वैल्यू, तो इसके आंसर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है कब पॉजिटिव है, कब जीरो है, कब नेगेटिव है। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम आगे अभी गॉस में यूज करने वाले हैं। लेकिन अभी तक शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एरिया वेक्टर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग दी गॉस। देखिए, अभी तक हम कवर कर चुके हैं दो चीजों को, एरिया वेक्टर हमने कवर कर लिया है और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा है। तो अब हम फाइनली समझने जा रहे हैं गॉस थ्योरम, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम समझेंगे कि गॉस थ्योरम होती क्या है और उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग दी गॉस थ्योरम, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग दी गॉस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो देखिए, पहले जर्नल एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि लाइक यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इन अ क्लोज सरफेस एरिया इन द नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो रही है चीज, इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू दिस क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने पढ़ा था। अब गॉस ने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा इजी कर दिया। गॉस ने बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से क्रॉस हो रही हैं तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू देयर चार्ज, क्योंकि चार्ज में से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इसने बताया कि अगर हमें किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें क्या करना है, हमें जितना भी चार्ज वहां पे प्रेजेंट है उस सरफेस के अंदर, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम लेना है, वो इक्वल होगा उसके फ्लक्स के। इसका मतलब, अगर किसी के अंदर 5 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, इस चार्ज को 1/ε0 टाइम ले लेना है, ये इसके फ्लक्स के इक्वल होगा। ऐसा कुछ बताने की कोशिश करी थी गॉस ने। तो गॉस का कहने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें किसकी जरूरत है, चार्ज की। और ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज यू कैन इजीली डिटरमाइन दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ आपको कुछ कंडीशंस पे ध्यान देना है। गॉस ने जब ये बताने की कोशिश करी तो उसने एक सर्फेस लिया, एक क्लोज सर्फेस, जिस क्लोज सर्फेस को हम गॉसियन सर्फेस कहते हैं, उस क्लोज सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो आपको खुद मानना पड़ता है, बट इसकी कंडीशन है कि ये गॉस तभी फॉलो हो पाएगा जब वो जो सरफेस हमने लिया है इट शुड बी सिमेट्रिकल। सरफेस जो होना चाहिए इट शुड बी सिमेट्रिकल, तभी वो गॉस जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। अब जो मैंने टर्म्स आपको बताए हैं इसको समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझोगे। देखो, जैसे मान लो मैंने एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज क्यू, अब ये चार्ज लिया, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे एक सरफेस बनाना है। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, एंड दिस इज योर हाइपोथेटिकल, इट मींस हम एज ए इमेजिनरी टर्म्स में उसे ले रहे हैं कि यार कुछ एक सरफेस बनाना है। अब मैं इसके रिगार्डिंग क्या सरफेस बना सकता हूं, तो मुझे पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये समझ में आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हर तरफ जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब मैंने इसको कंबाइन कर दिया तो जो मेरे को यहां पे समझ में आ रहा है सरफेस वो कैसा आ रहा है, स्फीयर, सर्कल नहीं है ये, क्योंकि इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ 3D हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इट मींस ये कैसा बन गया, स्फीयर। तो मैंने इस पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया है, दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस इज योर स्फीयर। लेकिन सोचिए कि अगर आपको एक वायर दी हुई है यहाँ पे और वायर में कुछ इस तरीके से चार्ज है, अब सोचिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, इट शुड बी लाइक दिस, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ऊपर से भी नीचे से भी,
अब मैं इन्हें अगर कंबाइन करता हूँ, अगर मैं इन्हें इस तरीके से कंबाइन करता हूँ तो इट जस्ट लाइक अ सिलेंडर। सो दैट मीन्स इस केस के अंदर मैंने जो ले लिया है वो क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया है। तो सिलेंडर यहाँ पे हमें सही लग रहा है, किस वजह से? रीजन क्या है? यही रीजन है कि हमें यहाँ पे गॉसियन सर्फेस बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गॉस, क्लियर। और चार्ज जो है वो उसके एनक्लोज है, उसके अंदर है। और उस सिचुएशन पे अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, देन दिस इज दी 1/ε0 टाइम दी चार्ज प्रेजेंट इन इट। आई होप सो टू क्लियर हो रहा होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एक शीट दी है, ये ऐसी चार्ज इस तरफ से भी निकल रहा है, इस तरफ से भी निकल रहा है, तो मतलब ये चीज जो है वो इस तरफ भी आगे बढ़ने वाली है, इस तरफ भी आगे बढ़ने वाली है। तो इस शीट के लिए भी हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, वी कैन कंसिडर अ सिलेंडर। समझ में आ रहा है? इसका एक बीच का सरफेस हो गया सिलेंडर का और दो कॉर्नर के हो गए, तो इसका मतलब यहाँ भी हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरीके से आपको गॉसियन सरफेस कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस होते हैं ये कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल पार्ट्स में इन्हें हम कट कर सके, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल सर्फेसिस, क्लियर। तो अभी तक शायद आपको गॉस समझ में आ गई होगी कि क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन एक तरीके से ये है कि सिर्फ एक चार्ज के टर्म्स में, सिर्फ एक चार्ज के टर्म्स में हम क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, उसे 1/ε0 टाइम से डिवाइड करना है, तो हमें उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, क्लियर। बस इसके लिए ध्यान रखना, एक डिसएडवांटेज जो है वो है उसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस जो सिमेट्रिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो चीज़ फॉलो कर पाएगी। ओके, तो अभी तक जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पीछे पढ़ा था वो ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है? ई डॉट डी एस के, एंड दिस इज द सर्फेस इंटीग्रल, क्लियर। अब यही चीज गॉस ने क्या बताई? इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज प्रेजेंट इन इट। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब गॉस ने इस चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया, क्योंकि ε0 की वैल्यू क्या होती है? फ्री स्पेस में एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता होती है। तो अगर मुझे सिर्फ चार्ज पता है तो मैं उसका फ्लक्स निकाल सकता हूँ। डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया इन फ्री स्पेस, इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू अ क्लोज सर्फेस एरिया इज इक्वल टू, फाइनली इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट, 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सर्फेस। समझ में आ गए यहाँ तक टर्म? तो दिस इज ऑल अबाउट द गॉस, और गॉस का मेन एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा कि लाइक चार्ज के बिहाफ पे हम फ्लक्स को निकाल रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, ये किसने दिया है? गॉस ने दिया है। तो हमें इसको डिराइव करना पड़ेगा कि दिस E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय ε0, तो जो हम अभी प्रूव करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं गॉस की डेरिवेशन। तो थोड़ा समझते हैं इस डेरिवेशन को कैसे करना है, दिस इज द प्रूफ। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर अ यूनिट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज लाइक प्लस क्यू। तो हमने एक चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू, तो पहला काम क्या होता है, वी हैव टू ड्रॉ वन गॉसियन सर्फेस। सो लाइक फॉर अ पॉइंट चार्ज, आपको पता है कि सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, इट शुड बी नॉर्मली आउटवर्ड। सो दैट मीन्स लाइक, सो दिस इज लाइक, तो इसका मतलब है कि हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर देना है। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और इसका जो सेंटर से पोजीशन है, इस रेडियस को हमने आर लेट कर लिया, दिस इज आर। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा पहले डायरेक्शन पे आते हैं और डायरेक्शन को समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर है एक इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कहाँ निकलती है? आउटवर्ड, आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन, इट शुड बी लाइक आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आउटवर्ड। अब सोचिए कि एक सरफेस है, इस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अगर मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना हो, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो आपको पता है ये भी क्या करना है, नॉर्मली आउटवर्ड उस डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की बात करूं, तो दिस इज अगेन नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज लाइक एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों को दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन पे है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड सिमिलरली अगर मैं इस जगह पे क्या ड्रॉ करता हूँ, एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्लक्स निकालूंगा एक छोटे से सरफेस पे लाइक डीएस, डीएस में निकाली एक छोटा सा सरफेस ले लिया इस स्फीयर के ऊपर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। और जब मैं इसका सरफेस इंटीग्रल करूंगा,
तो पूरे सरफेस का निकल जाएगा, मतलब पूरे स्फेयर का निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक समझिए ध्यान से, गॉस थ्योरम फॉर अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल सर्फेस। समझ में आ गया, हमने कैसा सर्फेस ले लिया है, स्फेरिकल लिया है जो एक सिमेट्रिकल सर्फेस है। ओके, तो हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डॉट डी एस। अब ई क्या है, वॉट इज ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझिए, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी भी पॉइंट पे, लाइक मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, कुछ भी पी कंसिडर कर लिया लाइक, अब ड्यू टू दिस चार्ज पॉजिटिव क्यू, अगर मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें ऑलरेडी पता है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाला था कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एनी पॉइंट, देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस जहां पे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है ई की, के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या ले दिया, यहाँ पे आर यूज हो रहा है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगा दिया, क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बात करते हैं डी एस की। अब डी एस के लिए भी हमने क्या लिखा, डी एस, और दिस इज दी यूनिट वैक्टर, ये किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एरिया के लिए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ई की जगह पे आ गया है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे आ गया डी एस की जगह पे डी एस, और ये इसका यूनिट वैक्टर। अब फाइनली हम क्या करते हैं, डी एस को इस तरफ लेके आते हैं, ये यूनिट वैक्टर और यूनिट वैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको पता है यार, डॉट में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस आपको पता है दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री का। और डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया लाइक आर, उसके बाद हो गया एन, उसके बाद हो गया कॉस थीटा। तो आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा 1, और आर और 1 दोनों यूनिट वैक्टर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर कितना आ गया आपका फाइनली, 1। दिस इज लाइक 1 1, और एंगल भी कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और उसका आंसर भी क्या है, 1। तो इसका मतलब इन दोनों यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मींस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बच क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डी एस। क्लियर हो गई चीज़ यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हमने निकाल दिया। अभी हमने किसके लिए निकाला है जी, ये हमने निकाला है फ्रॉम द स्मॉल सर्फेस एरिया। अगर मुझे टोटल का निकालना है, तो टोटल का निकालने के लिए क्या करते थे, सर्फेस इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सर्फेस, दिस, और ये तो हमारे पास सेम वैल्यू है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस वन इज द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, सर्फेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब क्या कर रहा है, इस के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। अगर आपको याद होगा तो हमने इनिशियली पढ़ा था चैप्टर में, के किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब इस के की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसका सर्फेस इंटीग्रल करता हूँ, किसका, डी एस का, तो डी एस क्या है, कि स्फेयर है, तो स्फेयर का टोटल सर्फेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स मैंने यहाँ लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज लाइक डी एस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही बताने की कोशिश करी है आपको गॉस ने, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम द चार्ज प्रेजेंट इन इट। सो दैट मींस दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी गॉस थ्योरम किस तरीके से, कैसे कैसे हमें गॉसियन सरफेस लेने हैं यहाँ पे, और किस तरीके से इसे डिराइव किया जाता है।